धार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों बदमाशों के नाम बहादुर सिंह और दिनेश भाबर है। आपको बता दें, जिन पर साल 2013 और 14 में घर में घुसकर डकैती करने और हाईवे पर बस में लूट करने का आरोप है, और तब से ही पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने दोनों पर क्रमशः 20 और 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बार फिर दोनों बदमाश राजगढ़ कस्बे के पास हथियारों से लैस होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से दोनों को घेराबंदी कर लूट और डकैती करने वाले दो बदमाशों को धर दबोचा। तो पुराने वारंटीज को पकड़ा है जो 2013-14 के गंभीर मामलों में फरार थे। दो लोग पकड़े गए हैं। पहला जो है उसका नाम है बहादुर, पिता बिलाम सिंह अमलियार, उम्र 30 वर्ष, निवासी खरबारी थाना बिरला। दूसरा है दिनेश, पिता भक्तिया भाबर, उम्र 24 वर्ष, निवासी जोड़वा थाना बिरला जिलाधार।